तो भैया होटल में पहुंच गए, कमरा मिल गया, सही सलामत पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से बड़े हमने पापड़ बेले, अंदर जाके बताएंगे। चलो ऋषि खोलो, भगवान जी का नाम लेके खोलो, घुसो। चलो देखते हैं कैसा कमरा है। मैं हर चीज़ चेक करूँगी इस कमरे की। ओ मैनू, मेरे को तो खोलो, लाइट तो ऑन करो। हैवी डोर है भैया, चलो लाइट्स तो ऑन करो, अंधकार में है कमरे। चलो ऋषि सारी लाइटें ऑन करेगा फिर हम दिखाएंगे। सारी लाइटें जल्दी ऑन कर यार, उसे लाइट ही नहीं पता चल रही हैं। लोग इतना स्टाइलिश वे से अपने रूम टूर कराते हैं, हम लोगों का फ्लॉप शो। ये देखो ये इसका ये रूम टूर है। अच्छा यहाँ पे तब तक देख लो, अच्छा सा शीशा दिया है रेडी होने के लिए। हो गया वो, एक बड़ी लाइट भी जलो। मुझे लाइटें बहुत चाहिए होती हैं, पता नहीं इतना अंधेरा क्यों रखते हैं सारे होटल वाले। चलो दिखाते हैं अब रूम। ओ यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये डंडियाँ क्या हैं। चलो ना, ये चाकू रखे हैं इन्होंने, ये डंडियाँ, और ये मेरे ख्याल से वो आइसूस रखने के लिए है। ये कुछ होगा, ड्रॉ श्रॉर है। जल्दी से ये देखो, ये टीवी है, ये है, ये काफी महंगा होटल है, चाहे लगे ना लगे। बड़ा महंगा होटल है भैया जी। ये दो बेड हैं, मैं किस साइड, मैं उस साइड सोऊंगी, पता नहीं, आई डोंट नो वहां पे, क्योंकि कॉफी मेकर है ना, तो मैं इस साइड वाला ले लेती हूँ शायद। यहाँ पे इन्होंने कॉफी मेकर देखो क्या आज डिजाइनर वे से रखा हुआ है कॉफी मेकर। ये देखो यहाँ पे शीशे के साथ, यहाँ पे भी शीशा, ये अलमारियां होंगी शायद, देखती हूँ। ये स्लाइडिंग है क्या, देखे ऋषि, ओहो देखो स्टाइल, ये स्लाइडिंग करो तो ये अलमारी होगी, वो कॉफी मेकर बंद हो गया। इन्होंने फ्रिज और माइक्रोवेव भी देना था, कहाँ है फ्रिज और माइक्रोवेव। तो वो दूसरे साइड का भी स्लाइडिंग होगा और खुल जाएगा। क्लॉक दिया है, घड़ी दी है। ऋषि देखना एक मिनट, यहाँ पे छुपा हुआ होगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पे छुपा हुआ होगा, है खुल ही नहीं रहा, ये खुल गया देखो, ये छुपा हुआ फ्रिज है। तो इसको फ्रिज में कुछ नहीं होगा, खाली होगा। नहीं पानी दिया है, दो पानी की बोतलें हैं, और कुछ नहीं है पर पानी की बोतलें हैं। तो माइक्रोवेव कहाँ है, मैं तो सुना था माइक्रोवेव भी होगा शायद, माइक्रोवेव नहीं दिख रहा मेरे को। चलो देखते हैं बाद में देखेंगे, यहाँ दिखा दिया। बाथरूम देख लेते हैं, लाइट किधर है, वो तो लाइट ही नहीं मिलती, यहाँ लाइट ही नहीं है। ओ भाई लाइट किधर है, ये रही लाइट, इस साइड थी, छुपा के बनाई हुई है, ये क्या है। अच्छा ये हेयर ड्रायर के लिए रखा हुआ है, यहाँ टॉवल्स हैं, ये इन्होंने शीशा दिया हुआ है। इग्नोर, हम लोग बहुत धक्के खा के आए हैं, जो फ्लाइट थी वो फ्लाइट कम और थकावट ज़्यादा थी। ये टब है, और टब के साथ वो रहा ऊपर शावर, और यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं तीन चीज़ें, क्या क्या है, बॉडी वॉश, कंडीशनर और शैम्पू है। अच्छा वैसे लगाया हुआ है, नॉट बैड, कनेक्टिंग डोर वाला दिया हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। वो ऋषि ने लॉक तक नहीं किया है, ये ऐसी गड़बड़ कर दी। गो वेयर, कहीं नहीं जा रहा तू। चलो तो ये हमारा कमरा है, आपको टूर करा दिया है, अब ये एक बारी म्यूज़िक के साथ देख लो। मैंने सोचा बाहर का व्यू भी दिखा दूँ कि कैसा व्यू है, तो उससे पहले कि अंधेरा हो। तो ये है होटल, हम 8th फ्लोर पे हैं, और ऐसे नीचे से ये दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से इनकी मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और इस तरह से ये व्यू है, सनसेट हो रहा है। या उनके बता रहे थे कि इनका पूरा फुली बुक्ड है होटल, क्योंकि मैं कुछ अपने डिमांड्स कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं पूरा बुक्ड है, पर मैं आपको, हम आपको अच्छा कमरा दे रहे हैं, तो अच्छा ही दिया, एंट्रेंस के सामने ही है, तो अच्छा लग रहा है।
अच्छा होटल है। ओए मैंने एक और चीज़ देखी, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब मेरे को कमाल की लगी। मैंने कहा ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, हैंगर है क्या है। तो उसके बाद मैंने ये किया तो ये देखो ये लाइट है पढ़ने के लिए, जो आप नाइट लाइट है ना वो उस टाइप की, यहाँ पे ऐसे लगा के दिए, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इन्होंने यहाँ पे भी दी है, एक यहाँ दी है, एक उधर दी है, और फिर इन दोनों बेडों के वहाँ पे भी दी है। दिस अच्छी लग रही है, डिफरेंट डिज़ाइन है, और ये लाइट भी सुंदर लग रही है, डिफरेंट है। तो ये चीज़ अच्छी थी कि रात को पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए ये लाइट दी हुई है। या अगर आप उठ रहे हो पानी के लिए और आपको पूरी लाइटें बंद है, आपको पता नहीं, क्योंकि होटल में हो तो थोड़ा घबराहट होते हैं ना, रास्ते का पता नहीं चलता, तो ये अपनी लाइट जो है ऑन, उनको स्विच नहीं करना, नहीं तो स्विच ही ढूंढते रहो बस ऐसे अंदर है। जब अंदर होती है तो बंद होती है, और जैसे ही बाहर करो ऑन हो जाएगी। तो इसको ऑन कर लिया, थोड़ा सा रोशनी हो गई। अगर बाथरूम बूथरूम भी जाना है या रीडिंग करनी है बैठ के अपनी, या कोई पानी पुनी पीना है, या टेबल पे कुछ करना है, या नीचे, तो वो कर सकते हो। नाइस। भैया हमारी सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं, हम रेडी हो गए हैं। ये मेरी स्टारबक्स की कॉफ़ी है, ये मेरा केला है, ये ऋषि का केला है, मेरा डोनट वहाँ पड़ा है। ऋषि मेरा डोनट भी दिखा दे, ये मेरा डोनट पड़ा है, इसके अंदर मेरे ख्याल से पाइनएप्पल फ्लेवर्ड है, ये मैं खाऊंगा। ये ऋषि का पानी है जो उसने वेस्ट कर दिया है, और इसका पैसा लगता है। और अभी हम सोच रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ घूमने जा सकते हैं। सुना है कोई पार्क है, राइट? कोई It's पार्क like a कुछ mall. मॉल भी है? Yeah. मॉल तो The बिल्कुल park नहीं is है। far away, I अभी क्या think. टाइम हुआ है? अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं। मॉल 10-11 बजे से पहले तो खुलेगा नहीं, तो वहां तो हम जा नहीं सकते हैं। नींद का बताती हूँ, रात को भैया बहुत बड़ा वो हो गया, कांड बोलते हैं ना जैसे, वो हो गया। हमें सुबह उठना था ब्रेकफास्ट के लिए, 7 o'clock का बने टाइम सोचा, बोला था ऋषि को हम 7 o'clock उठेंगे। मेरा पता नहीं इतना, मुझे लगा मैं गहरी नींद में सोई नहीं हूँ, और मुझे लगा मैं सोती रहेगी, सोती रहेगी। जैसे उठी मुझे ऐसा लगा बहुत ठंड, वो रोशनी हो गया, क्योंकि ऋषि ने यहाँ की लाइट ऑन की हुई थी। मैं कहा तो लग रहा बड़ी सुबह हो गई है। मैंने यहाँ पे टाइम देखा तो यहाँ पे दिख रहा था 7:59। ओ मैं घबरा गई, तो 8 बज गए, ब्रेकफास्ट तो खत्म होने वाला होगा, जब तक हम रेडी होंगे खत्म हो जाएगा। ऋषि जल्दी उठ, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो गया, 7:59 हो गए हैं। ये बैठा, फिर मैंने नहीं ऐसे पास ही कहता, नो नो इट इज नॉट। मैंने कहा हाँ यहाँ पे लिखा है कि 7:59 हो गए। फिर मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैंने कहा ये लाइट तो यहाँ की जल रही है ये, क्योंकि ये बाद में सोया था, मैं तो सो चुकी थी, ये लाइट यहाँ की ऑन करके बैठा हुआ था, और यहाँ पे पूरा ब्लाइंड बंद था। तो उसके बाद मैंने फिर बोला अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, रुक, मैं फिर से टाइम ध्यान से No, I देखती told you हूँ। the time. नहीं यू डिड Yes, I नॉट, did. I told you it नो was 4 minutes before or something. नहीं, ये दो चीजों को मिस कर रही। फिर मैंने No. ध्यान से यह टाइम देखा तो वो 7 नहीं था, 1 था। तो Crazy. रात के What? 1:59 पे मैंने You स्टार्ट, did? रात के 2 बजे। No, I don't remember that. हाँ वही तो बताया मुझे, I don't क्योंकि remember अपन that. नहीं I was ढूंढ पाता, sleeping. I remember किसी को that. याद ही नहीं I है, don't know when that किसी को happened. याद ही नहीं है I don't know हमारा when that किस्सा। happened. तू उठ के ऐसे भी हो गया था, व्हाट व्हाट, No, तू I तो नहीं didn't. सोला सोला सोया No, था ना टाइम? I मैं didn't. कहा नहीं सोया I रात don't के think so. 2 बजे No, I don't कुछ think so. याद। I वाह, don't remember फिर any आगे पूरी बात तो सुनो। फिर ये तो सो गया। अब रात के 2 बजे, दो बज रहे हैं भैया, 1:59 हुआ है, अब मेरे को नींद ना है। मैंने कहा यार अभी तो सोई थी 11-12 बजे, और ये 2 बजे नींद खुल गई, अब क्या करूं जी, अब मेरे को समझ ना आए। फिर मैंने फोन उठाया, फिर मैं फोन फोन पे देखा, फिर मैं बाथरूम में गई, बाथरूम में डैडा को, नहीं मैंने कहा डैडा को फोन करूं, मैंने कहा वो तो अभी वहां पे भी पड़ रात होगी। फिर मैं बैठी रही बैठी रही, फोन को इधर उधर, गाने, न्यूज व्यू, सर्च, ऐसी Oh, so सर्च maybe वर्च। that's why I couldn't sleep. उसके बाद जब कर Because you are सोया था, watching ये तो खराटे things. मार रहा था। No, फिर I ऐसे wasn't. कर करके मैंने 3 या 4 बजे, फिर मैं आधा घंटा सोई। फिर मुझे लगे भाई टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया। मैंने कहा भाई ये नींद नहीं आने वाली। अब फिर मैं बाथरूम गई, तब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 कुछ हुए हुए थे। तो यहाँ से और टेक्सास का 2 घंटे का डिफरेंस है। तो मैं बाथरूम में बैठी, मैंने डैडा को फोन किया, मैंने बोला कि टाइम क्या है वहां पर, 7 कुछ बजे। मैंने कहा फिर ठीक है, ठीक टाइम पर कॉल किया। फिर मैं बाथरूम में बैठे आधा घंटा 1 घंटा डैडा से फालतू बातें करती रही कि ऋषि मुझे बहुत तंग कर रहा है, ऋषि रात को लेट सोया आज भी, ऋषि मेरा कहना नहीं मानता, ऋषि को मैंने कहा पानी भर के लाने को, No, इसने पानी never. नहीं भर के लाया एयरपोर्ट पे। मैंने कहा मैं इसको यहाँ छोड़ के आ रही हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना।
तो उसके बाद ऐसे बातें बूतें करके फिर मैंने कहा चलो हमारा टाइम हो गया है, फिर मैं तैयार टूर हुई, फिर मैंने ऋषि को बोला उठ, ये उठे नहीं, तो भैया मैं इसको धमकी दूं कि अब हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, ये कह मैं कहूँ आठ बज रहे हैं, ये कह नहीं अभी पांच मिनट, मैं कह ये घड़ी आठ बज रही है तू कैसे बोल रहा है, कहता नहीं मेरी घड़ी फास्ट है मेरी घड़ी ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने कहा शायद इट्स ट्रू इज करेक्ट. Kaun? I was correct. तो मैं कहूँ तू झूठा करता है यार. No, I said dad, you are wrong. तो उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से तैयार कराया, इसकी प्रेस की, वो प्रेस में पानी नहीं कर सकी क्योंकि बाथरूम में बैठा हुआ था, बिना पानी के वो प्रेस ही नहीं हो रहे कपड़े. फिर मैंने ऐसे उसको गंदे कपड़े पहना दिए, इसकी वीडियो दिखाऊंगी ना तो देखना चाहे कपड़े भी नहीं प्रेस हुए ढंग से. मैंने कहा ठीक है, मैं तुमने सब प्रेस करके आई थी भैया, तो अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, कोई अगर अच्छी जगह होगी तो आपको भी लेके जाएंगे, नहीं तो भैया कमरे में बैठे रहेंगे. कॉफी मेरी ठीक बनी नहीं है, स्टारबक्स की बट भी मगर कड़वी टीट, डैडा मेरे को कॉफी बना के देते हैं, मुझसे ढंग से कभी कॉफी नहीं बनती है, पर एनीवे पी लेंगे किसी तरह से. ऋषि रिसर्च करेगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में, उसके बाद हम निकल रहे हैं. ऋषि को मजा आ रहा है No. मेरा सेक्रेटरी बनने में No. मुझे बड़ा मजा आ रहा है. No. मुझे तो भाइयों और बहनों बाहर निकल आए हैं. ये क्या चीज़ है? चर्च है, चर्च देख लो. पहले कैलिफोर्निया देख लो कैसा है, देख लो कितना डिफरेंस है. आप लोगों को कोलोराडो भी दिखा चुके हैं, फिर टेक्सास भी दिखा चुके हैं, अब कैलिफोर्निया दिखा रहे हैं, और हर जगह टोटली डिफरेंट है. वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के घर, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ. ऋषि डायरेक्ट कर रहा है और ऋषि के पीछे पीछे हम चलेंगे. ये रहा ऋषि, पिछली बारी भी याद है ना ऋषि और मैं आए थे, वो ये तो इधर जा रहे हैं, मुझे लगा क्रॉस करना है. चलो मौसम अच्छा है, ठंड है. ऋषि हुडी लेके आनी चाहिए थी तुमको, ठंड है ऋषि, ठंड है. वो सुन ही नहीं रहा यार. जब मैं पीछे जा रही हूँ वापस, मैंने कहा हुडी क्यों नहीं ली, ठंड है, मैंने पूरा पहना हुआ है. सारा सुनसान है, लोग ही नहीं है क्योंकि हम सुबह सुबह आए. अभी सुबह के क्या बजे, 9 बजे हैं मेरे ख्याल से, 9 बजे हैं ये, आई डोंट नो, क्योंकि वॉच को देखो तुम उसी टाइम 9:12 हुए हैं सुबह के. तो अभी कौन निकलेगा, जितने भी टूरिस्ट हैं वो अभी आराम से 10 बजे करेंगे क्योंकि सब कुछ 10 बजे ही खुलना है, 10-11 बजे. वो देखो उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, उसकी ग्रीन लाइट थी ऋषि. यहाँ पे पार्किंग देखो कितनी महंगी है, ये पब्लिक पार्किंग $10 फ्लैट रेट, इसका मतलब है $10 कितने भी घंटे कर लो, फिर भी सस्ती है क्योंकि जनरली पर घंटे के हिसाब से होता है. चलो आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ. हम कहाँ जा रहे हैं पहले, कोई पार्क है उसमें? अच्छा एक मेमोरियल पार्क है यहाँ पर, वो देखेंगे. वो क्या ये कोर्ट हाउस, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो देख रहे हो ये वाली, ये कोर्ट हाउस है, ये देख लो, ये इसमें कोर्ट होता है, मतलब वो जो केसेस वाला कोर्ट हाउस. चलो एक केस देखना है, ऋषि वर्सेस ऋषि की मम्मी. चलो यहाँ पे कौन सा दबाओ बटन, देखो यहाँ पे बटन दबाना पड़ेगा, पहले भी बताया हुआ है, यहाँ बटन दबाओ, फिर वो जो हाथ है स्टॉप की जगह वॉक का साइन आएगा तब जाएंगे. ओए मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जाऊँगी मैं, नहीं ये पावर, मैं नहीं जाऊंगी ऋषि. देख गाड़ी भी आ गई, वो चला गया, मैं तो नहीं जाऊंगी. अब क्या क्या मिला, वेट करनी पड़ी ना, आ गया मेरा वॉक हो गया, मैं आ रही हूँ. देखो बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, उसने इसलिए करा होगा क्योंकि वो जो साथ में यहाँ पे आदमी खड़ा था ना वो चला गया था, वो आदमी अपना गलत में गया था. हाँ तभी तो उसको देख के गया. जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग रॉन्ग डजंट मीन यू डू इट रॉन्ग. नहीं वी डोंट नो, कोई दूसरी साइड से आ रहा हो, उस साइड से कोई आ रहा हो, वहाँ ग्रीन लाइट हो. ये इनकी लाइब्रेरी है, ये देखो ये इनकी लाइब्रेरी. करें कम ऑन, अच्छा हम इलीगल कर रहे हैं, कुछ हो जाए तो भैया ऋषि. ये देखो ये कितना अच्छा एरिया, ये कुछ लिखा भी हुआ है, डे टाइम पार्किंग. अच्छा कुछ और ही है, हम वैसे भी वॉक साइन पे ही जा रहे हैं. दिखा दी भाई, मैंने दिखा दी है, बताओ मैंने दिखा दी है ना, ये मान नहीं रहा. कौन सा है ये, पुलिस का डिपार्टमेंट है? ऐसे ही बोली जा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, कोई गारंटी नहीं है. ये कह रहा है पुलिस का डिपार्टमेंट है ये.
अभी बोलते और खड़ी भी है पुलिस की बस exactly. बस कह रही हूँ कार मैं उसको बोलती हूँ ऋषि को पकड़ लो ये मुझे धक्का मारा हो तूने मेरे को क्रॉस करा दिया उनके सामने गलत क्रॉस बैठा होगा गाड़ी में तो वो बैठा होगा गाड़ी में दे कैन सी एवरीथिंग ओके उसी टाइम पता चले दोनों को जेल में उसकी गाड़ी भी चल रही है मेरे ख्याल से अंदर बैठा भी है ऋषि बहुत ही घटिया आदमी है यार तू वो गाड़ी में कोई भी नहीं है ऐसी गाड़ी चल रही है कोई भी नहीं था गाड़ी में है बेवकूफ बना रहे थे और मैं ऐसी डर रही हूँ मतलब गाड़ी चल रही है अंदर कोई भी नहीं है तो उसकी गाड़ी चोरी कर लेते हैं पुलिस की गाड़ी कभी किसी ने चोरी किया हम करेंगे हम ट्रैकर्स इनसाइड द कार इटसेल्फ तो क्या हुआ फिर छोड़ के चले जाएंगे वहीं छोड़ के फिर निकल जाएंगे नो जीटीए हो जाएगा ना जीटीए 5 नो क्यों जीटीए 5 करेंगे नो ऋषि जीटीए 5 यू गेट स्टार्स तुझे तो बहुत अच्छा यू गेट स्टार्स एंड दे आर शूटिंग यू स्टार्स मतलब मुझे का स्टार्स मिले नो जैसे गेम में स्टार्स या दे आर स्टार्स हैं मिलते गेम में स्टार्स हां तो फिर कचोरे स्टार्स योर वांटेड चल वापस चलते इट्स योर वांटेड लेवल वापस चलते नो दे शूट यू तुझे कार चलानी आती है ना नो दे शूट यू एंड यू डाई डर रहा है मेरा बच्चा डरता है चलो भाई लगता है पार्क में आ गए कौन सा पार्क था फिर भूल गई मेमोरियल या देखते किसका मेमोरी में बना मुझे तो पेड़ बहुत अच्छे लगे ऋषि पेड़ दिखा दे मुझे फेवरेट करेक्ट वाला दिखा रहे ना पाम ट्री वाला साथ वाला मैं दिखा दे चलो यहां पे कुछ है ये क्या है आई डोंट नो करके बता नो इट्स लाइक एक्सरसाइज और समथिंग I don't know. I have no clue. No, I don't know. I'm not sitting on that. It's dirty. A monument. आप लिख देना बहुत सुंदर है क्योंकि इट सेज अ टियर ड्रॉप फॉल्स एज ईच सोल स्लेन एंटर्स इटर्निटी टू टॉलरेंस एंटर्स इटर्निटी टॉलरेंस एंड पीस फॉर ऑल पीपल 4/24/1915 हर एक बंदा जो गया मरा उसके लिए एक आंसू है ना या चलो सुंदर है मैं मजाक उड़ाने वाली थी पर उतना सेंटिमेंटल कर दिया कि मैं कुछ बोल नहीं सकती चलो आगे देखते हैं एक स्पेशल चीज आदमी एंड कुत्ता कुत्ते को नीचे पर स्टॉप आई अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि कुत्ता है मुझे कुत्ते से डर लगता है तो मैं आगे कैसे तू पीछे रहना मैं उसको लगेगा मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ भैया वो जब ऋषि डॉगी चला जाएगा तब बताना फिर मैं पीछे मुड़ूंगी अब मैं ऐसे शो कर रही हूँ जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आ रहा है क्या चला गया बता नहीं रहा आप लोगों को तो पता है मुझे डॉगी से डर लगता है या तो कुछ भी नहीं है ये गलत पार्क में ले आया है You don't even want to go here. This is Memorial Park. This is. अभी पता चलेगा Memorial Park में दो बड़े-बड़े वो थे. Where? कहीं और ले आया है. इसी रॉन्ग में ले आया है. हमारा उससे पूछो. No. पूछो जारी ये वो नहीं है. It is. अच्छा लो ये देख लेते हैं. ये देख ले ये Memorial Park ले आया है गलत Memorial Park. This is it. यहाँ पे वो सोल्जर अपनी गन लेके बैठा हुआ है ये मेमोरियल पार्क नहीं है पता नहीं कुछ में ले आया एक राउंड मार लेते पता चल जाए यार गलत उठा के ले आया पता नहीं कौन से में ले आया इट सेज राइट देयर मेमोरियल इट सेज मेमोरियल राइट देयर वो सिटी हॉल के पास है नो लुक लुक इट सेज राइट हियर वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल It's correct. And look at the entire memorial right there. चलो आए हैं तो ये दिखा देते हैं पर फिर आप मेन नंबर जाएंगे हम ये वाला नहीं है वो ये सिटी हॉल भी यहीं पर है या वो देखो वहां पे क्लॉक है वो क्लॉक देखो ओह
there. No. ये लड़का ना एक नंबर का निकम्मा, इसको मैंने कहा ओ छोटी ट्रेन भी है वहाँ पे बच्चों के लिए, चल नाइस। चलो हमारी एक्सरसाइज में थोड़ी पतली हो जाए तो, और मौसम भी अच्छा है, मुझे ऐसा वेदर अच्छा लगता है। ये देखो ये है कुछ इनका मेमोरियल पार्क, या यहाँ पे फंक्शन का है। ये देखो या ये स्टेज है, यहाँ पे आप स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, या शादी शुदी भी कर सकते हैं फ्री में, मेरे को लगता है फोकट में, अगर शादी में वेडिंग करनी हो, और यहाँ पे आप फोकट में वेडिंग कर सकते हो। गन देखो कितना मचा हुआ है, और यहाँ पे मैंने व्हाई इज देयर अ बाइक, व्हाई इज देयर अ बाइक, पब्लिक वाली है तो यहां चला के छोड़ गए। चलो या नो नो वी डोंट लाइक दोस, और किसी ने अपना वहां पे ड्रिंक वाटर होमलेस भी दिखा दो, देखो जिनके घर नहीं होते वैसे रह रहे, जल्दी से दिखा दो, नहीं देखता, देख ले जल्दी से, लगता है अब यहां से निकल ले। ये गलत पार्क है, अब ऋषि सर्च करके एक्चुअल पार्क में लेके जाएगा, वहां पे दो बड़े-बड़े खोपड़े, वियतनाम मेमोरियल, वियतनाम मेमोरियल, वियतनाम मेमोरियल, ओके ओके ओके, सिटी हॉल के साथ वो पार्क है, ओके 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 okay? अब ऋषि को पहले वीडियो के बंद करके एक और फिर हम ठीक जगह पे जाएंगे। भाइयों और बहनों ये देख लो, ये ऋषि मुझे यहाँ लेके जा रहा है, उन्हें लिखा है कि ये एरिया केमिकल से एक्सपोज्ड है, अगर तुम गए तो तुम मर सकते हो। वो नीचे ट्रेन है, ये देखो इसमें नीचे ट्रेन जा रही है, ये नीचे ट्रेन है, ये इसके नीचे, और यहाँ पे वार्निंग दी हुई है, और ये लड़का मुझे इसके अंदर लेके जा रहा है। ये लोगों का घर है, घर तो बड़ा अच्छे लगे हुए, चलो अंदर चलते हैं। ये लड़का बड़ा, कोई कुत्ता वुत्ता तो पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, भगवान ही जाने। ये देखो ये लोगों के रहने की जगह है, ये अपार्टमेंट है कि घर है। और निकल ले भाई, मैं नहीं जा रही, पागल है तू, नहीं मैं नहीं यहाँ से जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, सारी जगह पे वार्निंग है, कोई गन गुन मार दिया, किसने गोली मार दी थी, भैया कुछ हो जाए तो भैया बता, लोगों को हेल्प कर देना, लाइव चली जाओ, लाइव लाइव जाते हैं, लाइव चलते हैं, कुछ हो गया तो भगवान को कोई तो बता देगा। लोग भी आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मेरी जान निकल रही है। वो बंदा तो आराम से चल रहा भाई, ये तो आराम से चल रहा, ये भी आराम से चल रहा, जान मेरी सुखी हुई है। जगह जगह ये क्यों लिखा हुआ था फिर, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा ये। भैया कौन सी गंदी मंदी जगह पे ले आया, देख लो ये कैलिफोर्निया में क्या क्या लिखा होता है। ऋषि ये इससे इसके अंदर से, ये देखो इसके अंदर से वो हमें केमिकल से बचाने के लिए डालेंगे अब। What? ये यहाँ खड़ा हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो ऊपर अभी मैंने दिखाया था वो दोनों साइड से केमिकल डालते होंगे ताकि तुम्हारे ऊपर जो केमिकल्स की वजह से तुम मर सकते हो उसका रिएक्शन हो। दिखाती हूँ वेयर, ऋषि को अभी तक पता नहीं चल रहा, दिखाती हूँ कौन से हैं। ये दो दिख रहे हैं, ये दोनों इसमें से केमिकल्स निकलेंगे और तुम्हें पॉ करेंगे। खड़ा हो वहाँ बीच में खड़ा हो, तेरे ऊपर स्प्रे होएगा। कुत्ता है सच्चे में कर रहा। देखो सीन बड़ा अच्छा है, वैसे यहाँ फोटो खींचनी चाहिए, कितना अच्छा है। आ रहा अब पता नहीं कहाँ से लेके गया है, मैं डैडा को फोन करके बताऊंगी। मेरी जान निकली पड़ी है, तू पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। स्ट्रीट क्या ऐसी स्ट्रीट में गया जहाँ पे जगह जगह वार्निंग लिखी हुई थी। ये रुक क्यों नहीं रहा है, ये बंदा रुक ही नहीं रहा है, मार के जाएगा। ये है सिटी हॉल जहाँ हम जा रहे हैं, और ऋषि वो देखो रुक ही नहीं रहा है, घुसटता जा रहा है, घुसटता जा रहा है पीछे वाला।
ये सिटी हॉल है, अब हम ठीक जगह पे गए हैं, इसने कहीं और ही ले गया था, ये किसी और ही मेमोरियल में ले गया। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेमोरियल हैं। तो ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है, इसको बोलते हैं सिटी हॉल। और ऋषि उसमें घूमने गया है, वहाँ हमें ऋषि के साथ एक फ़ोटो लेते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल से इससे फ़ोटो लेते हैं, मतलब जैसे होता है ना प्रॉब्लमेटिक, उससे मतलब बड़ी मुसीबतों से फ़ोटो आती है, ले खींचवाते आई है मुझसे। अब दिखाऊंगी जो मैं खास दिखाने आई थी, इधर आओ। ये दो लोगों की फेस का वो बने हुए हैं, अब ये कौन है क्या है ये जाके पता चलेगा। तो पहले यहाँ देखते हैं ये है कौन, जिनके लिए खास बनाया गया। तो यहाँ दिखाया जाए, ये है पासेडेना रॉबिन्सन मेमोरियल, और ये जैकी और मैक के हैं, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हैं। और ये है कौन लोग, ऋषि बताना पढ़ के, बहुत ज्यादा लिखा है यार, पढ़ Jackie के बता। Mac Robinson, he just है said, कौन जैकी एंड मैक रॉबिन्सन, इनका क्यों बने, इन्होंने क्या किया, ये फाइटर्स थे। अच्छा ये मेरे ख्याल है ओलंपिक्स के हैं, ये बर्लिन ओलंपिक्स, वन सिल्वर मेडल बर्लिन ओलंपिक्स में, ये ओलंपिक्स, ये जॉन म्यूर हाई स्कूल में पढ़ा था, और पासेडेना जूनियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में पढ़ा था। सो ये एथलीट्स हैं मेरे ख्याल से। ओ रॉबिन्सन ब्रदर्स एबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन सेट द स्टेज फॉर अदर्स टू ओवरकम बैरियर्स। अफ्रीकन अमेरिकन है, और उन्होंने उस टाइम में किया होगा जब उस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन और वो सब होता होगा। yes, no. चलो अब वहाँ चलते हैं। See this. चलो देखो हुई कितना अच्छा बना हुआ है, ये देखो stop. इसके nose. Stop. ऋषि करता है ना नोज़ों में, no. वही करता है। अच्छा बना है, इतना ध्यान से बना, उसकी मूछे भी बनाई हुई है, उसकी मूछे भी बनाई हुई है, आईब्रोज भी बनाई हुई है। क्या है ये, हाँ ये कितना अच्छा बना है, ये देखो इसमें उसके खोपड़ी पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। ये दोनों भाई भागते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी भागते हुए हैं, कोई रेसेस जब की होंगी ना उसने। और ये कुछ लग रहा है कुछ, क्या है ये, स्टेडियम ट्रैक बनाया हुआ, हाँ उसके ऊपर लिखा हुआ है देखो बर्लिन, कहाँ लिखा है देखा है, हर एक छोटा छोटा कुछ इन्होंने डिस्क्राइब। ये देखो ये डिफरेंट पोस्चर पे भाग रहा है, ये कैसा स्प्रिंट है। अच्छा ये इसकी खोपड़ी है, और ये इसके हाथ हैं, और ये टांगे हैं, मुझे लगा है किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। नेशनल AAU ब्रॉड जंप रिकॉर्ड, सारा कुछ उसके बारे में, ये देखो यहाँ भी बना हुआ है ओलंपिक्स। ऋषि क्या लिखा है, ओलंपिक फ्लैग क्या लिखा है, ओलंपिक फ्लैग बेयर 1984। ओ, देखा हर चीज उन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है, पूरा उसके वो किया हुआ है। ये देखो ये कितना बड़ा बनाया है, रेडी हो रहा है रेस के लिए उस टाइप से, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से किया हुआ है उन्होंने। इसके कान भी इतने बड़े हैं, और दूसरा भाई का भी है वैसे ही बनाया हुआ है देखो यहाँ पर। अभी हम पीछे की खोपड़ी दिखा रहे हैं, ये लगता है ऋषि UCLA में पढ़ा है शायद, है ना, ये बास्केटबॉल का था शायद, ये देखो बेसबॉल, ये सब कुछ खेलता था, हैं बेसबॉल, ये बेसबॉल खेल रहा है, ये देखो ये बैट है और ये उसका बॉल है, वाह। फादर ऑफ बेसबॉल स्टीलिंग, पता नहीं क्या लिखा है, स्टोल होम 20 टाइम्स 1949 से 52। चलो ये सारा लिखा हुआ है, आइडिया अच्छा है कि सब कुछ उसके बारे में यहाँ बैठ के पढ़ो आप लोग। अब आगे से दिखाती हूँ, ऋषि ने पता नहीं दिखाया ठीक से कि नहीं दिखाया, बताना किस कौन ज़्यादा अच्छा दिखाता है, ऋषि की मैं। ये देखो ये एक भाई है, ये दूसरा भाई है, दोनों भाई हैं, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और उनकी अकम्पलिशमेंट्स को वो दिखा रहे हैं यहाँ पर खास। और ये सिटी हॉल के बिल्कुल ऑपोजिट, ये यहाँ पर बनाया हुआ है और ये सिटी हॉल है। अब हम फोटोज खींचेंगे यहाँ पर, और ऋषि की पहले ही जान निकल गई।
चलो फोटो खींचे। अब हम सिटी हॉल के अंदर आए हैं, तो देख लो ये सिटी हॉल के अंदर का पार्ट, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। अरे वहाँ पे एक फाउंटेन है, एक फुट। ये स्कूल के बच्चे हैं? नहीं, ये तो कोट कुट बना हुआ है, मुझे लगा इंडिया की तरह स्कूल के बच्चे। ये देखो यहाँ पे भी कुछ है और इधर भी है। सिटी हॉल का मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा है? पढ़ लेना यार, मैं नहीं पढ़ रही, बहुत कुछ है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है। ये देखो ये फाउंटेन है, ये कितना सुंदर है। ये देखो ओए होए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग, दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्रिटी ड्रेस। अच्छा इनके लिए होगा, ये हो रहा होगा, इनका कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है? यहाँ तो शादी हो रही है या इनका कुछ हो रहा है। छरी जी हमारी फ़ोटो ले ले उससे पहले कि ये लोग आएँ। चलो हम फ़ोटो ले लेते हैं, देख लो दिखा दी मैंने कितनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। चोरी कर लेती हूँ उसको, तुरवा के खुद पहन लेती हूँ, मैं तो फिट ही नहीं आनी, पहले वेट लूज़ करो। अच्छा ऋषि मेरी फ़ोटो लेना, मैं जा रही हूँ उधर। ओके एक और बड़ी सुंदर ड्रेस दिखाऊँगी, रुको, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी से देख लेना। ये देखो यहाँ ये चर्च है क्या? ये मेरे ख्याल से चर्च है और वहाँ पे क्वायर होगा, ये जो क्वायर होते हैं ना, जो गाने गुने उस टाइप से वो करते हैं, वो हैं। ये देखो क्या ड्रेस है, और एक वहाँ पे दिखा दी थी। आहा क्या व्यू है ऋषि, मुझे ये तो ट्रीज़ बड़े सुंदर लगते हैं, पाम ट्रीज़ जो है ना, इतने सुंदर, मैं यहाँ बैठ के घंटों बैठ के बस ये व्यू देख सकती हूँ, कितना सुंदर है ये। इनका कुछ हो रहा है, यहाँ तो शादी हो रही है, पर दो लड़कियाँ थी, लड़का तो कोई दिखा नहीं, तो शादी थोड़ी हो रही होगी, है दो लड़कियों की शादी हो सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये देख लो कितना अच्छा व्यू है, देखो ये सिटी हॉल। ये देखो कैसे वो प्रॉपर लेके आ रहे हैं ना, जैसे उठा के लाते हैं, कैंडल्स भी हैं, फ्लैग भी है, मुझे लग रहा है कुछ करेंगे, तो बड़ा प्रोफेशनल लग रहा है ना। इट्स नाइस, इट्स टू वुमेन, हाउ डू यू नो, बिकॉज़ दैट्स द एलजीबीटीक्यू फ्लैग। ओ यार ऋषि राइट था, मुझे तो पता ही नहीं था, हम गलत भी हो सकते हैं, हम अपने आप बोल रहे हैं, इसलिए कोई गलत मान, इट्स द एलजीबीटीक्यू फ्लैग। तो उन दोनों की शादी हो रही है, चाहे वो स्वीट 16 के भी तो होता है कुछ इनका। आई हैव नो आइडिया, भैया कमेंट सेक्शन में बताना, हमें कोई आइडिया नहीं है, हम ऐसे ही गैस वर्क कर रहे हैं, तो कोई ऑफेंड फोन मत होना, कोई हमारा कोई गलत मतलब नहीं है किसी भी चीज़ में, आपको हो भी सकता है, हो भी सकता है तो भी अच्छा है, नहीं भी होता तो भी ठीक है, आई डोंट नो। तो ये चर्च है ना, मगर ये तो चर्च ही लग रहा है। I don't know. We don't know. हमें बात नहीं, वो यहाँ पे कुछ और हो रहा और वहाँ कुछ और हो रहा होगा। हाँ ये तो हाँ, क्योंकि यहाँ चर्च में वो अपना सैटरडे संडे की प्रेयर होती है। चुप कर, अब ये कुछ ज्यादा ही, हाई कितनी अच्छी ट्रक है ये। अच्छा ये तो देख यार, ये कितना प्यारा है, क्या चांस की बात है, क्या क्यूटूस है, ये तो जैसे कार्टून में देखते है ना वैसा है, वाह देख लो। अब मैं यूएसए में कैसे लोग फोटो लेते हैं वो दिखाती हूँ जल्दी से। ओके जल्दी देख लेना, ये देखो ऐसे होती है फोटो है। देख ली, उससे पहले कोई कुछ बोले ऋषि को शर्म आ रही है। ये देखो देख लो, ये देखो देख लो जल्दी से ड्रेसेस,
और वो कुछ और हो रहा था, यहाँ कुछ हो रहा था, ऋषि ने जो भी बोला या हमने बोला हम रॉन्ग वो भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। वो एक पर्पल में है विद पर्पल ड्रेस, वो काली वाली कहाँ गई ड्रेस वाली, देख के बता। ब्लैक वाली तो चली गई, ये पर्पल वाली है, कहाँ जाऊँ, इधर से जाऊँ। अब हम 20 मिनट दूर कुछ और एक कोई पार्क है बहुत बड़ा कह रहा है ऋषि, वहाँ जा रहे हैं। अब कोई गारंटी नहीं है कि क्या ठीक है कि नहीं है, ओके। मैं सिर्फ ऋषि के पीछे जा रही हूँ, 20 मिनट वॉक मैं इसलिए कर रही हूँ कि उससे मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, नहीं तो मैं ऋषि पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, उसको पता ही नहीं चल रहा। मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट पे रोस्ट कर रही हूँ, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कमॉन कर रहा है भाई। पता नहीं इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है भगवान जाने, मुझे डर लग रहा है। हम दो बेचारे अनजान लोग, ये देख लो तब तक, चीखे भी सुन लो। ऋषि बाहर मत चले जाना, वो देखने जा रहा है क्या हो रहा है बड़ो। और हम उस साइड ही जा रहे हैं, हो गया काम हमारा। यहाँ भी देख लो, ये देख लो जड़ का GTA 5 देख लो, आगे वॉक हो गया। ऋषि ने वेव किया, वेव नेक्स्ट टाइम भी करना, मेरे को देखना। ओह माय गॉड, डायगोनल क्रॉसिंग, दैट्स क्रेजी। मतलब यू कैन गो डायरेक्टली, ऐसे भी जा सकते हैं। वाह, अच्छा यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत चीख चिकाली हो, वो देखो सुनो ऋषि चुप, सबको आवाज सुनने दे, अभी एकदम से बहुत जोर से आएगी, देखना। पब्लिक पार्किंग, दैट्स नो नो, दे आर ऑल सो हैप्पी बिकॉज़ ऑफ पब्लिक पार्किंग। चीनी कुछ और है, कहाँ से आ रही है? इन देयर, राइट देयर, यहाँ से आ रही है, यहाँ से देखते हैं क्या है, वेट करो, इस साइड देखना क्या है। एक मिनट रुक जा, यहाँ कुछ गेम हो रही है, ये इतनी जोर से चीख रहे थे कि आदमी डर गया। ये देखो गेम की लेकर, ये लोग कर रहे थे आवाजें। हम मेरी तो आधी जान ही सुखा दी, और जब ऋषि ने कहा भैया मैं अपने हस्बैंड के बिना आई हुई हूँ, छोटे से बेबी को लेके अपने भाई, ये देखो ये बड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। ऋषि कह रहे ये सेंट्रल पार्क है, तो वो क्या था जहाँ भी हम गए थे पार्क? This is castle, अरे वॉक है, वॉक है, वॉक है, कैसल ग्रीन, वॉक है, ओके, दिस इज कैसल ग्रीन, कैसल ग्रीन है, कैसल ग्रीन, ग्रीन क्यों बोला भाई? यू कैन गो इनसाइड एंड सी, हैं टिकट तो नहीं है ना? आई डोंट नो, जा फोकट है ऑलवेज रेडी, जा पैसा है पहले टिकट का पैसा ढूंढता हूं, क्रॉस तो यहां से करो ना, यहां से क्रॉस करेंगे, है ही नहीं, अपना आप होगा शायद, हो गया वॉक हो गया। ऋषि तो सोता रहता है, इधर उधर देख रहा होता है, मेरे को बताना पड़ता है ऋषि वॉक हो गया। ये हम पुराने पासेडीना, जैसे नई दिल्ली ओल्ड दिल्ली होता है ना, वैसे लगता है न्यू पासेडीना ओल्ड पासेडीना। ऋषि आगे जाएगा, ऋषि आगे जा, ताकि सबूत हो कि हम इन सड़कों पे चले थे। ये क्या लिखा है, नो पार्किंग, में लोगों ने पार्किंग की हुई है, हैं ये क्या पाओ नो पार्किंग लिखी। ऋषि कैसल में जा रहा है, कैसल ग्रीन में, कैसल ग्रीन है, ये महल है, कैसल को महल ही बोलते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है कैसल ग्रीन, ग्रीन कुछ है नहीं। देख टिकट है तो वापस आ जा, हाँ ये टिकट वाली होगी, हमें बस टाइम नहीं है, एनिवर्सरी गाला, यू गो आस्क, आई एम स्टेइंग हियर, चलो भैया। इतना 20 मिनट चला के वो ये पार्क दिखाने आया हमें, हमारा पुत्र। अच्छा मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक करके पता मौसम अच्छा है इसलिए फील नहीं हो रहा, ऋषि क्या बकवास सा पार्क है इतना भैया, ये पार्क है,
यहाँ के पार्क देख लो, ऐसे पानी भरने के लिए भी जगह है, पानी पी लो, शेर के मुंह से पानी निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छतरी के साथ क्या कर रहे हैं? ये पेंटिंग कर रहे हैं? मुझे लगा फोटो ले रहे हैं। कैसी पेंटिंग कर रहे हैं? तो किसकी पेंटिंग कर रहे हैं? मेरी का? ओ, मुझे लगा ये पैसे लेके तुम्हारी पेंटिंग करेंगे। एक ने मुझे वेव किया, मैंने उसको इग्नोर किया। भैया ऋषि का बड़ा अच्छा आइडिया है, वो कहता है माँ खड़े हो जाए। तो ये आइडिया अच्छा है, अगर आपको कभी पेंटिंग में अपने में आना हो ना, तो आप वहाँ पे खड़े रहो, वो अपने आप तुम्हें भी पेंटिंग में करेंगे, खड़े रहते हैं क्योंकि हम उनकी पेंटिंग में आए हुए हैं। वो इसलिए मुझे हाथ करके तो नहीं कह रही थी कि हट बाय हट बाय, वो मुझे कह रही है कि हटो यहाँ पे, रास्ते में आके मैं बैठ रही हूँ, तुम बीच में रास्ते में आके मेरी पेंटिंग। वाह, वो 6 घंटे लगाएगी तो कोई 6 घंटे वहाँ नहीं आ, कुछ भी कुछ भी बोलना तो इस लड़के को बोलना जो 20 मिनट लेके हमें एक कचरे में लेके आया। भैया यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सेंट्रल पार्क लेके आया बोल के, वहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। ये देख लो ये पार्क है, एक 360 व्यू दे देती हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेंटर्स देख लिए जो हमने लाइफ में पहले नहीं देखे होंगे। बस ये है, ये पार्क है। चलो वापस अपने कमरे में चलें। तो अब और क्या, टाइम क्या हुआ है अभी? 10। वो देखो बार बार प्रेस कर रहा है, बस कर वेट वेट, तेरे लिए किया उसने, बार बार प्रेस कर रहा है, वो बार बार बोल रहा है वेट वेट वेट, ऋषि का उसको कर ही जा रहा है। वो वेव वाला करना था, वेव वाला का इसने कहा लिखा है वेव, ओ इसमें देखो वेव भी कर सकते हो, वेव भी कर सकते हो, बटन को भी दबा सकते हो, वेव ऋषि कर रहा है। ये देखो ये वेव कर रहा है और उससे वो गया होगा, पर अभी ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि अभी गाड़ियाँ चल रही है ना। भैया चल चल के थक गए, पता नहीं एक जगह था कि आप सीधे ऐसे बीच में से सिटी हॉल से आ जाओ यहाँ पहुँचोगे, और ऋषि ने पूरी परिक्रमा करा के 30 मिनट की वहाँ पहुँचाया, और जब यहाँ देखा तो देखा सिटी हॉल से बस क्रॉस करो और यहाँ पहुँच जाना है, ये कर रहा है हमारे बच्चे ने। और अब हम घर जो कम घर कह रही हूँ, होटल जा रहे हैं, होटल दिखा देंगे उसकी एंट्रेंस वेंट्रेंस, उसके बाद आराम से कमरे में शांति से बैठूँगी मैं, मेरे पैर थक गए हैं, मैं आज बहुत पतली हो गई हूँ और मेरे को भूख अभी भी नहीं लगी है, तो अभी हमें लंच टाइम के लिए देखना पड़ेगा क्या खाना खाना है। ऋषि को भूख लगी है? नहीं लगी है, दोनों बेचारों हमको तो भूख लगती नहीं है, हम कमरे में जाके अब सो जाएंगे, ठीक है चल। लोग वहाँ खड़े हैं, जा रहे हैं, ये होटल के अंदर है, हमें किस से जाना है, इससे जाना है, किससे जाना होता है? इज योर वाटर वाटर इसमें देख क्या। ओह या ये इनका रिसेप्शन का एरिया है, ये देखते हैं, ये बड़ा अच्छा है, इसमें और भी चीज़ें आ रही हैं। ऋषि कुछ और ट्राई करके दिखाना मुझे, दिखा कहाँ लिखा है पे, क्या लिखा है, $2 ड्रिंक और 9 मंथ, तो पानी कहाँ से मिलेगा? अच्छा पानी तो आ गया, ये देखो पानी फ्री है, बाकी चीज़ों का पैसा दे के लो, अब मंथली करके भी ले सकते हो। चीज़ें क्या हैं, रास्पबेरी पीच मैंगो हुए $1, रिफिल योर बॉटल, स्पार्कलिंग लाइट, स्पार्कलिंग एम्बिएंट हॉट, ये भी $1 है, सिर्फ कोल्ड फ्री है, कोल्ड फ्री है, बाकी सारों को पैसा लग रहा है। कुकुम्बर पानी, मतलब पानी फ्लेवर्ड पानी है क्या? फ्री इज फ्री फिल्टर्ड वाटर, कोल्ड भी तो फ्री लिखा है, तो ये पानी है क्या, फ्लेवर्ड पानी है क्या है ये, कि शेक्स फ्लेवर्ड पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, या एंड यू कैन आल्सो गेट विटामिन, विटामिन बूस्ट चाहिए किसी को, विटामिन मुझे तो देख के ही मिल गया। घास भी खानी है,
खास खाने का भी पैसा रास्पबेरी मतलब अच्छा ये वो भी है कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए तुम्हें फ्लेवर भैया पैसे दो फिर हम खरीदेंगे पैसे भेज दो हम इसमें से खरीदेंगे मैं तो पीती नहीं मुझे तो अच्छा लगता है स्कैन टू पे स्कैन करके पे कर लो फिर हमें चलो चले ऋषि ने पानी पी लिया होटल का पानी भी है इसने फोकट में तो ये पिया हमने पानी एक दो ग्लास भी ले लो ऊपर के जो चाहिए होंगे ऋषि दो ग्लास भी ले ले ओ कुछ खास है क्या हाँ क्या किया तूने खुल गया बटन दबा के उसको फिर से और पीना दो ग्लास ले लो और सेंसर से होना चाहिए ऐसे वेव कर दो हो रहा था वेव किया तूने फिर से वेव कर नहीं यू वेव अगेन अब फिर से कर वाह मेरे को करना हम लोगों को जानते हैं तो कहेंगे उन्होंने कभी डस्ट भी नहीं फेंका अच्छा हमने रोज कोई लग गया मेरा हाथ आइए बंद अपने आप हो जाएगा ये स्टॉप टचिंग इट ये देखो ये हम आए हैं लिफ्ट के अंदर ये लिफ्ट है जिसमें मैं और ऋषि हैं ये प्रूफ है हाय ऋषि हाय करते बाय बाय करते चल बाय यहीं पे बंद करते बाय तूने बाय नहीं किया ना वापस अंदर आ नहीं मैं नहीं आ रही तो पहले वापस अंदर आ हम 12 पे जा रहे हैं नो 12 से नीचे आ जाएंगे ना बाय करके पागल है क्या करिए जा रहा है दरवाजा बंद होने दे चलो अभी नहीं करना बंद होने दे अब हम बाय कर रहे हैं फिर हम 8 पे जाके फिर नहीं बाय करेंगे ओके ऐसे करते हैं बाय स्माइल कर बाय स्माइल कर